हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ममता दुबे आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 जून 2020 की करंट अफेयर्स, और करेंगे आज हम लोग इस करंट अफेयर्स का पंचनामा। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो आपके आने वाले एग्जाम SSC, IBPS, बैंक या लेखपाल किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का पंचनामा। यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल सेलेक्शन मेंटर और विरत दुबे से संपर्क कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है जानकारी ले सकते हैं। नीचे आपका यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, 3 व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है, जानकारी चाहते हैं, तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, विश्व डाक दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है फोर्थ, विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया में ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इनको चिंताओं के चलते हुए 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई। ठीक है, तो 5 जून 1973 को इसकी शुरुआत हुई, किसकी? विश्व पर्यावरण दिवस की। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अन्य ऑप्शन की। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है विश्व डाक दिवस, तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। क्यों मनाया जाता है? तो लोगों में जो डाक सेवाएं हैं, डाक विभाग है, इनकी जागरूकता फैलाने के लिए। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इसकी दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। ठीक है, थर्ड है विश्व विज्ञान दिवस, तो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर, यानी 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इससे और भी क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं कि विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है, आपको कारण पता होना चाहिए। और रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? जो हमारे महान वैज्ञानिक है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज की थी, ये भी पूछा जा सकता है, रमन प्रभाव की खोज किसने की? हमारे सर सीवी रमन जी ने। और इस खोज के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन तैयार हो गए। 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया सीवी रमन जी को। ठीक है, और 1928 में इसकी खोज की गई थी रमन प्रभाव की। तो विश्व विज्ञान दिवस भी पता चल गया क्यों मनाया जाता है, रमन प्रभाव की खोज के कारण। सो क्लियर है, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने हाल ही में देश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ऑप्शन आपका फर्स्ट है खेल मंत्री, सेकंड है स्वास्थ्य मंत्री, थर्ड है कौशल विकास मंत्री, फोर्थ ऑप्शन आपका शिक्षा मंत्री। सो फ्रेंड, इसका राइट जो आंसर है वो है थर्ड, कौशल विकास मंत्री। तो केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी ने हाल ही में कौशल विकास मंत्री का कार्यभार संभाला, और ये कहाँ से संबंधित है? ये चंदौली लोकसभा के सांसद रह चुके हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, और साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुके हैं। आप इनको देख सकते हैं यहाँ पर, मानव संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं महेंद्र नाथ पांडे जी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कौन है? ये है केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, इन्हीं ने ही PM जो कौशल विकास योजना है इसका कार्यभार संभाला है। अब इस योजना की जो शुरुआत है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसकी शुरुआत है 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई, और किसके द्वारा हुई? नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, सो यहाँ से क्लियर हो गया आपके क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे जी ने हाल ही में कौशल विकास मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला।
ऑप्शन जो हमारे दिए गए हैं, इन तीन ऑप्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं क्योंकि पूछा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है खेल मंत्री, तो आपको पता होना चाहिए खेल मंत्री कौन है। प्रेजेंट टाइम में किरण रिजिजू, ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री हैं, ठीक है। दूसरा आपका है यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम के, तो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में। कौशल मंत्री पता है आपको, मैं बता चुकी हूँ। फोर्थ आपके हैं शिक्षा मंत्री, तो वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री हमारे कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है, ये हमारे वर्तमान समय। यहाँ पर शिक्षा मंत्री फर्स्ट भी पूछे जा सकते हैं, प्रथम कौन है शिक्षा कौन थे, तो प्रथम जो थे फर्स्ट शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से सारे क्वेश्चन जो हैं वो किल हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस देश को पीछे छोड़कर इस वर्ष दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है किस देश को पीछे छोड़ के पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है हमारा भारत। ऑप्शन फर्स्ट है अमेरिका, सेकेंड है चीन, थर्ड है ब्रिटेन, फोर्थ है फ्रांस। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है थर्ड, ब्रिटेन, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी, ग्लोबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर IHS मार्केट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस वित्त वर्ष में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, थर्ड है ब्रिटेन। ऑप्शन हमारे जो तीन बचते हैं इनको भी किल करते हैं। अधिकतर जो ये ऑप्शन दिए हैं इनकी राजधानियां पूछी जा सकती हैं, इनकी मुद्रा पूछी जा सकती है इन देशों की। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन DC, कौन सी है, वाशिंगटन DC, ये राजधानी है अमेरिका की। मुद्रा अमेरिकी डॉलर, ये बहुत बार पूछा भी गया है मुद्रा और राजधानियाँ। चीन की राजधानी कौन सी है, बीजिंग, ठीक है, और मुद्रा रनमवी, ठीक है। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और इसकी मुद्रा है पाउंड। कहीं कहीं पर ये पौंड स्टर्लिंग भी लिखा रहता है, तो पौंड या पौंड स्टर्लिंग। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है, और इसकी मुद्रा कौन सी है, यूरो। सो यहाँ से हमारा सारे ऑप्शन किल हो जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में CCI के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला। ऑप्शन आपके सामने, अनीता कोटवानी जी ने, उदय कोटक ने, थर्ड है विक्रम किलोस्कर ने, या फोर्थ इनमें से कोई ने। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सेकंड, उदय कोटक जी ने। तो हाल ही में CII के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाला। यहाँ पर आप देख रहे हैं उदय कोटक जी को, ये कोटक महिंद्रा बैंक के अभी तक MD CEO थे, ठीक है, इन्होंने ही CII का अध्यक्ष पदभार संभाल लिया है। अच्छा, CII का फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लेते हैं, CII का फुल फॉर्म देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी, इंडियन इंडस्ट्री, ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली,
और स्थापना भी देख लेते हैं। स्थापना इसकी हुई है 1895 में। सो क्लियर, आपको यहाँ पे पता चल गया फुल फॉर्म इसका, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना है 1895 और इसके अध्यक्ष कौन है, उदय कोटक जी। क्लियर, यहाँ पर नाम दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में अनीता कोटवानी जी का, ये कौन है, तो अनीता कोटवानी जी हैं कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है, थर्ड में आपको विक्रम किलोस्कर जी दिख रहे हैं, तो विक्रम किलोस्कर जी हैं ये CII 2019 के अध्यक्ष थे। ओके, क्लियर हो गया। तो CII है क्या, इसका कार्य क्या है, तो ये है गैर सरकारी और उद्योग नेतृत्व के लिए एक संघ है। ठीक है, क्या है, CII जो है वो एक गैर सरकारी और दो नेतृत्व के लिए एक संघ बनाया गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किसने किया, ऑप्शन हरदीप सिंह पुरी, सेकंड है नरेंद्र मोदी जी, थर्ड दिनेश शर्मा, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, हरदीप सिंह जी पुरी। यहाँ आप देख रहे हैं हरदीप सिंह पुरी जी को, इन्होंने ही PM स्वनिधि योजना का जो कह सकते हैं उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। और इस योजना का कार्य क्या है, तो इस योजना का कार्य है जो अभी कोरोना की वजह से जो ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, इनको बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो इनको जो हमारी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट हम इनको लोन देगी और उस लोन को एक साल तक के अंदर चुकाना है। तो इस लोन के द्वारा वो अपना बिजनेस कर सकते हैं और अपनी जो जीवन की नैया है उसको पार कर सकते हैं। ठीक है, तो PM स्वनिधि की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा हुई, वो हरदीप सिंह पुरी जी द्वारा हुई। और ये है कौन, ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया, PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी जी द्वारा हुआ और ये हैं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री। ठीक है, क्यों किया गया इसका शुभारंभ, तो गरीब तबके के जो रेहड़ी वाले हैं उनको लोन देने के लिए, और लोन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, उस लोन को वो एक साल के अंदर चुका सकते हैं। ऑप्शन सेकंड में नरेंद्र मोदी जी, ये तो आप सभी जानते होंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं प्रेजेंट टाइम में। थर्ड है दिनेश शर्मा, ये हमारे उप चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, हमारे यूपी के आदित्यनाथ जी, और यूपी के हमारे उप चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री। सो यहाँ से हमारे सारे ऑप्शन खत्म होते हैं, सारे क्वेश्चन भी समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक या वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई जानकारी देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।